इंडिया वो ग्लोबल शांति लीडर के रूप में बैठे हुए हैं और वो चारों तरफ ये संदेश दे रहे हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं, हम सबको गले लगा रहे हैं। और मैं यूएई के भी सुल्तान को, वहां के सभी अधिकारियों को और सरकार को धन्यवाद देता हूं जी, और वहां के लोगों को कैसा एकता दिखाई पड़ रहा है, कैसा एकता दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ स्वामी चिदानंद जी भी हैं। चिदानंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चिदानंद जी, आपको मैं राम राम भी कह रहा हूं और जय स्वामी नारायण भी कह रहा हूं, लेकिन आपके पहले शब्द क्या हैं? ये अद्भुत नजारा देखकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हमारी मुलाकात हुई थी, और ये राम जी का सौजन्य ही कहिए, तब भी सोनल जी मेरे साथ थी, रितेश्वर जी महाराज भी बाद में आए और आप भी हमारे साथ जुड़े थे सरयू के तट पर। देखिए प्रभु, मुझे तो लगता है कि आज जो ये एक नई मशाल जली है जी, मुझे लगता है कि ये नई मशाल एक नई मिसाल कायम करेगी, और इसके लिए मैं भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। कमाल है, वाओ, व्हाट ए मैन ऑफ मिशन। और आज उन्होंने करके दिखाया, लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, मैं तो कहता हूं, मुझे तो ये भी आज कहने का मन है कि हिज हाइनेस अपने शेख मोहम्मद बिन जायद जी उनके लिए भी कहूंगा कि वे हैं तो ये मुमकिन हो सका है। ये भी बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर वो हां ना करते पहले दिन 2015 में, जैसे आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी वहां गए, बात हुई, उनका ये कहना कि जहां हाथ रख दोगे, जहां लकीर खींच दोगे, वहीं हम जमीन दे देंगे, मैं समझता हूं ये उनकी उदारता का परिचय है। और ये जो उदारता उन्होंने दिखाई है, और आज उसी उदारता के कारण 9 वर्ष के अंदर अंदर ये आज इतना भव्य विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, अवर्णनीय है, अलौकिक है, अद्भुत है, अतुल्य है ये दृश्य जो आज मैंने देखा है। और दूसरी बात जो मुझे लगता है आने वाले समय में मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि दिस टेम्पल इज गोइंग टू बिकम ए रिले स्टेशन ऑफ पीस, लव एंड हार्मनी, पीपल आर गोइंग टू टेक ए मैसेज, लोग संदेश लेंगे यहां से कि अगर ये दुबई में, अबू धाबी में हो सकता है, तो पक्का मानिए अब धीरे धीरे बाकी देशों में भी लोग कहेंगे यहाँ कुछ डरने की बात नहीं है, यहाँ कुछ भय की बात नहीं है। सच यार, हिंदू तो बड़े कमाल होते हैं, सनातनी तो अद्भुत होते हैं, भारतीय तो अद्भुत होते हैं, वो जहाँ जाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर सद्भाव की, समानता की, समरसता की मिसाल बनाते हैं, जिस देश में काम करते हैं उस देश को भी आगे बढ़ाते हैं और अपने वतन को भी नहीं भूलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी अपने वतन की मिट्टी की खुशबू लेकर जी गए। जी बहुत जी। बहुत सुंदर और बड़ी अद्भुत बातें आप हमेशा करते हैं, लेकिन मैं दर्शकों के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि स्वामी चिदानंद हमारे साथ हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, एक चौपाई के रूप में, एक छंद के रूप में, या किसी गीत के रूप में, या किसी भजन के रूप में? मुझे लगता है मैं तो ये कहूंगा कि आज जो ये मौका मिला है जी, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और ये मौका जो मिला है और दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री की वजह से और हमारे शेख मोहम्मद बिन जायद की वजह से, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, गा के कहो तो गा के सुनाऊं, वैसे कहो तो वैसे सुनाऊं, जो आपका मन करे स्वामी जी। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जी, तुम्हें जमीन पे उतारा गया है भारत के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक डिवाइन डिजाइन है। भारत के प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं, मैंने पहली बार जो अमेरिका में गए, मैंने वहां यूनाइटेड नेशन के बाद जो कार्यक्रम वहां देखा, फिर समाज ने, पूरे विश्व ने हाउडी उसमें देखा, फिर लंदन में देखा, और मैं अब देख रहा हूं कि आप जब वहां पहुंचे, 1,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 60,000 लोगों की जगह है लेकिन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, हजारों लोग बाहर खड़े रहे, और ये है हमारे देश के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री की ये बात, क्योंकि उनके दिल में प्यार है, उनके मैं दिल आपको में मैं आपके साथ एक चीज साझा करना चाहता हूं। मैं स्वामी नारायण संस्था के साथ
वर्षों के साथ जुड़ा हुआ हूं, इनके कई कार्यक्रम मैंने देखे हैं। स्वामी नारायण संस्था जो है, ब्रह्मविहारी स्वामी जी या प्रमुख स्वामी जी, ये लोग इतने बड़े और दिव्य काम कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर इलाज तक सब कुछ देखते हैं। इसके अलावा मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे 100वें वर्ष में जाने का, खास तौर पर स्वामी जी के 100वीं वर्षगांठ पर जाने का एक मौका मिला। अहमदाबाद में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि मुझे ये इस कार्यक्रम अबू धाबी का जो ये हिंदू मंदिर बन रहा है, इसके उद्घाटन में भी जाने का एक भव्य न्योता मिला। किसी कारणवश मैं यहां पर हूं, क्योंकि मैं अपने कर्म को यहां पर कर रहा हूं, मैं जा नहीं पाया, लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा। सोनल मानसिंह मेरे साथ है स्वामी जी, मैं उनका भी रुख करता हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा।